लुधियाना में एक कलयुगी पति ने दहेज के लालच में अपनी ही पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले के बाद पत्नी गंभीर रूप से घायल है और उपचार के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में दाखिल है। आरोपी पति ने ससुराल से 1 लाख रुपए और एक LCD टीवी की मांग कर रहा था, लेकिन मांग पूरी ना होते उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्नी को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। कुदरत का करिश्मा कि पत्नी बच गई और अब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उधर पुलिस ने सूचना मिलते ही अस्पताल में दाखिल पीड़ित महिला के बयान लेकर अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और उसके पति रवि कुमार और उसके भाई रजत कुमार को अपनी गिरफ्त में कर लिया। पति ने किया है, क्यों? 1 लाख रुपया मांगत रहे हैं, कई बोल रहे थे 1 लाख रुपया और LCD, मुझे अभी इस वक्त ही चाहिए। तो मैं बोली कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं है इतना, तो फिर मुझे ना मार। रवि सानो पर केश कुमार ने कंप्लेंट की, जो नामदेव कॉलोनी का रहने वाला है, कि हमारी घरवाली घर से चली गई है, उसका संतुलन ठीक नहीं है, वो दिमागी परेशान है, भी दिमागी परेशान रहती है। पर आज थाना मेहरबान सिविल अस्पताल लुधियाना से मैसेज आया कि रंजना देवी, जो नामदेव कॉलोनी की रहने वाली है, वो दाखिल है। हम उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए आए हैं। उसने दसा भी बताया है कि हमारे घर वाले रवि और उसके छोटे भ्रा ने मेरे पर तेजाब डाल दिया और मुझको किसी और जगह में छोड़ आए। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जो आगे इन्वेस्टिगेशन होएगी, जो अपराधी पाया गया उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। लुधियाना से जसवीर जस्सी, जीवे पंजाब के लिए।